हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अलसी किस तरह से हमें खाना चाहिए और कौन सी, जिस तरह से मैं बताई हूँ इस तरह से अगर आप बनाते हैं अलसी तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अलसी मतलब अच्छा, बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले हमने 100 से 150 ग्राम अलसी लिया है। इसमें हम सेंधा नमक और काला नमक आधा आधा चम्मच हमने डाल दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। तो नींबू का रस जो है ये निचोड़ के मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसे 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हमारी जो अलसी है इसमें नमक और नींबू अच्छे से घुल मिल जाए और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाए। तो अलसी कई गुणों से भरपूर होती है, जिसमें कि ओमेगा फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। और यही वजह है कि अलसी के बीज पाचन को बेहतर बनाते हैं और इसे जिस जैसे आप रोज़ इसका सेवन करते हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, हृदय रोग है, तो इनको जो है खतरे से बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है तो उससे कम करने में मदद करता है। तो अलसी के बीज में हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और 6 घंटे के लिए हमने रख दिया है। 6 घंटे हो गए हैं और इसमें अच्छे से नमक और नींबू सब अच्छे से घुल मिल गए हैं। तो अब हम इन्हें थोड़ा सा जैसे 6 घंटे और पंखे की हवा में डालेंगे, जिससे कि अच्छे से, क्योंकि गीला अलसी हम नहीं भून सकते हैं, थोड़ा सा इसे सुखाना है। तो प्लेट में इस तरह से फैला के इसे हम पंखे के नीचे मैं 6 घंटे इसे सुखाऊंगी। जैसे कि शाम को हमने तैयार किया, फिर रात में इसे छोड़ दिया, सुबह उठ के इसको अच्छे से भून लेना है। 6 घंटे हो गए हैं, मेरी अलसी बिल्कुल सूख कर तैयार हो गई है। अब इसे हम बाउल में डाल लेते हैं। आप इसे धूप में सुखाते हैं तो 1 घंटे या 1.5 घंटे के भीतर ही ये सूख जाएगी, अच्छी धूप होगी तो। तो देखिए कितनी अच्छी से भुनकर मेरी अलसी तैयार होती है। जैसे आप मार्केट की अलसी लाते हैं ना, सेम उसी तरह इसका टेस्ट होता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से अगर आप अलसी को बना के खाएंगे तो आप अलसी को खाना बहुत पसंद करेंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अलसी के बीज से जो है ब्लड, जैसे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, और उसके बीज खाने से फुल फाइबर होता है ना, तो इसमें जो हमारा पेट नहीं साफ होता ये, और काफ़ी लाभ मिलता है, पाचन शक्ति जो होती है उसको ये मजबूत करता है। तो इसलिए अभी ठंडी का सीज़न है तो अलसी का सेवन आप ज़रूर करें। बस ध्यान क्या देना है कि कच्ची अलसी नहीं खाना है, अलसी को अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए, क्योंकि कच्ची अलसी जहर बन जाती है और भून देते हैं तो वो काफ़ी लाभदायक होती है। तो इस तरह से आप अलसी का सेवन ज़रूर करें, सुबह सुबह इस अलसी को भून कर ज़रूर खाएं, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, बच्चे भी इसे आसानी से खा लेंगे और बच्चों को बढ़ने में भी लाभ देगा।